नमस्कार सभी को। जो प्लेइंग कार्ड से उसमें होल्स एंड स्लिप्स उसका सॉर्टिंग करना है, तो देखते हैं ये कैसे होता है। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कुछ होल्स किए हुए हैं और स्लिट्स किया हुआ है। तो होल कहाँ करना है, स्लिट कहाँ करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बाइनरी नंबर लिख के बताया है, जैसे 12 है उसका बाइनरी नंबर है 1100। तो 12 के लिए यहाँ पर मैंने लिया है क्वीन, तो क्वीन में 1100 आगे एक डिजिट यहाँ पर होल जो है वो एक्स्ट्रा हुआ है, सो आगे ज़ीरो कंसीडर करके एक होल एक्स्ट्रा है। देन 81000, तो 8 के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, फर्स्ट को इग्नोर करें तो 1 की जगह स्लिट है 1000। तो इस तरह से यहाँ पर जो नंबर सीक्वेंस लिखी है 12, 8, 5, 1, 3, 4, 6, 13, 2, 10, 7, 9, 11, वही मैंने यहाँ पर लिया है। ओके, तो ये सीक्वेंस अभी मेरे पास है, दैट इज़ अनसॉर्टेड। नाउ वी हैव टू सॉर्ट इट। सो सिंपली आई एम टेकिंग ए पिन एंड इंसर्टिंग दिस पिन इन फर्स्ट होल और स्लिट, वॉट एवर इट इज, राइट। पहले वाले में मैं एंटर कर रहा हूँ, तो इसको पकड़ के जो भी कार्ड्स नीचे आ रहे हैं उसको अलाउ करना है और बाकी को पिन से ऊपर खींच लेना है, राइट। तो इसका लॉजिक सिंपली ये है कि जो कार्ड राइट मोस्ट बीट, मतलब LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट में जहाँ वन है, तो वो सब जो है वो नीचे गिर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर स्लिट है वन के लिए, तो वो सब नीचे गिर गए, बाकी जो है वो ये पिन में रुक गए। ओके, एक्चुअली दिस इज नॉट पिन, अगरबत्ती की स्टिक है मेरे पास। तो अभी इसको मैं होल्ड पर रखता हूँ और ये बताता हूँ। सो वी कैन सी दैट जहाँ वन है वो नीचे गिर गए, तो सबसे पहले 11, उसके बाद 9 में भी लास्ट में, मतलब LSB में वन है तो वो भी नीचे आके मेरे हाथ में आ गया है। फिर 7, तो वो भी LSB में वन था, वो भी नीचे आ गया है। आफ्टर दैट यहाँ पर वन है, दैट इज़ फॉर 13, 13 के लिए जो है राजा है, तो वो भी नीचे आ गया है। देन 3, 1 एंड 5, राइट। तो ये सब नीचे आ गए, इसका सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। नाउ ये जो है जिसमें LSB में ज़ीरो था वो सब इसी में रह गए स्टिक में। एंड नाउ आई एम पुटिंग दिस बैक साइड, राइट। इनको मैं पीछे रख देता हूँ और फिर से सबको मिला देता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड बिट टेंस प्लेस। ओके, तो ये जो टेंस प्लेस वाला है, तो अभी जैसे ही मैंने LSB में वन वालों को पीछे रख दिया, तो मेरा नया जो सीक्वेंस है वो ये बन रहा है। ओके, जो वन वाले हैं वो सब पीछे आ गए हैं और जो LSB में ज़ीरो वाले हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं। ओके, तो अभी सेकंड बीट में मैं यहाँ पर स्टिक इंसर्ट कर रहा हूँ। सो नाउ जो भी कार्ड नीचे आना चाहे उनको नीचे आने देता हूँ, बाकी मैं सबको स्टिक के साथ ऊपर खींच लेता हूँ। ओके, सो नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जहाँ पर टेंस प्लेस में वन था, इसको मैं एक मिनट के लिए साइड में रख देता हूँ वैसे ही, तो जिनका यहाँ आप देख सकते हैं कि टेंस प्लेस में वन था वो सब जो है मेरे हाथ में आ गए नीचे। यू कैन सी हियर, ओके, ऑल आर स्लिट हियर, आप आर पार देख सकते हैं। ओके, स्लिट थोड़ा छोटा है तो आप आर पार देख सकते हैं यहाँ से, तो वो सब नीचे आ गए हैं। और यहाँ जो LS टेंस प्लेस में जो ज़ीरो वाले थे, जहाँ स्लिट नहीं है सिर्फ होल है, तो वो सब जो है वो इसमें रह गए हैं। ओके, अब क्या करना है, ये सबको पीछे रखना है, वंस वाले को और ज़ीरो वाले को आगे रख देना है। सो नाउ व्हाट माय सीक्वेंस विल बिकम, नाउ लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। जो भी ये वन वाला है,
वो सब जो है वो पीछे चले गए हैं। सो एक तो ये तीन के, सो थ्री जो है वो पीछे चला गया है, दूसरा जो है वो सेवन पीछे चला गया है। सीक्वेंस यही मेंटेन होगा, इसमें से इलेवन वाला जो है वो पीछे चला गया है, देन सिक्स टू एंड टेन, सिक्स टू एंड टेन। बाकी जो जीरो वाले हैं वो आगे रह गए हैं, लेकिन यही सीक्वेंस में 5, 1, 13, 9, 12, 8, 4। या सो यू कैन सी दैट 4 इज इन फ्रंट, राइट? सो 4 हियर इज इन फ्रंट। ये 1 वाले जो है वो लास्ट में चले गए हैं, तो ये जो 1 वाला जो है उसमें लास्ट में होना चाहिए 3। सो यू कैन सी 3 इज लास्ट। सो लेट अस कंटिन्यू दिस प्रोसेस। नाउ आई एम गोइंग फॉर थर्ड बीट। सो इन द थर्ड बीट आई एम पुटिंग द स्टिक एंड इसको ऊपर लूंगा, तो जो भी नीचे कार्ड गिर रहे हैं उनको नीचे गिरने देता हूँ, लेकिन सीक्वेंस चेंज ना हो जाए वो देखना है। ओके, सो नाउ थर्ड में जो सिर्फ होल वाले हैं, मतलब जीरो वाले, वो सब मेरे हाथ में है, और थर्ड प्लेस मतलब हंड्रेड प्लेस में जो मेरे पास वन वाले हैं वो सब नीचे गिर गए थे, क्योंकि वहाँ पर स्लिट है, वंस है। तो फिर से जो वन वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे और जीरो वालों को आगे रख देते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जिनके पास थर्ड पोजीशन में जीरो था वो आगे है, जो वन था वो पीछे है। सिमिलरली आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर नेक्स्ट बीट। राइट, सो नाउ taking out all the cards which has 0 for fourth bit from right. जो वन वाले हैं उनको पीछे जाने देता हूँ, जीरो वाले आगे रह जाएंगे। ओके, तो मेरे जो कार्ड्स है वो जीरो वन से लेके 13 तक है, तो वन से लेके 13 तक जो है, वन से लेके 13 तक जो है, तो उसके लिए 2 raised to 4 = 16, तो 16 के अंदर 13 आ जाता है, तो मुझे जो है वो 4 बिट मेरे लिए काफ़ी है, तो ये 4 स्टेप में हो जाएगा, तो ये 4 स्टेप में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 स्टेप कर लिए है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज सॉर्टेड। ओके, आई एम शोइंग यू ऑल दी कार्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack is 11, Queen is 12, King is 13, right? So now it is sorted. So if there are 26 cards, right? You will need 26 करने के लिए, अगर binary number हम follow कर रहे हैं, तो 2 raised to 5, so you 32, 2 raised to 5 that is 32, so you need 5 bits. तो 5 bits अगर आपको चाहिए, तो 5 bit करने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 step करने पड़ेंगे। अगर 26 card है, maximum 32 card तक अगर है, तो आपको 5 step में sorting करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 13 card है, तो ये 4 step में ये sorting हो गया।